दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए डोरीमोन के टॉप 6 एंड्रॉयड गेम्स लेकर आया हूं, जिन्हें आप अपने फोन में बड़े आसानी के साथ खेल सकते हैं। इनमें से कुछ गेम्स ऐसे हैं जिन्हें आप खेलना जरूर पसंद करोगे। और दोस्तों अब गेम्स की बात आ ही गई है तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जिसका नाम है सैमडोमी। मैं इस चैनल पर जल्द ही डोरीमोन का गेम प्ले भी अपलोड करूंगा। अगर आपको गेमिंग से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वापस आते हैं वीडियो पे। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैंने डोरीमोन का एक ऐसा गेम ऐड किया है जो पूरी तरह से ओपन वर्ल्ड गेम है। तो वीडियो को इन तक जरूर वॉच कीजिएगा। मैं हूं रेहान और आप लोग देख रहे हैं DXTunes ऑफिशियल चैनल। सो लेट्स गो। दोस्तों नंबर 1 पे जो डोरीमोन का गेम आता है उसका नाम है डोरीमोन 3 और गेम का साइज 22 MB है और यह पूरी तरीके से ऑफलाइन गेम है और खेलने के लिए आप लोग को एमुलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मतलब गेम में होता क्या है कि जिस सिटी में नोबिता रहता है वह सिटी दिखाई गई है और नोबिता को आप लोग पूरे सिटी में घुमा सकते हो। उसके बाद गेम में स्टोरी भी दिखा रखी है जिसमें लग रहा है कि सिटी पर किसी ने अटैक कर दिया है, शायद आप लोग को बचाना है। लेकिन इस गेम में एक प्रॉब्लम भी है, इसमें सब कुछ जापानीज लैंग्वेज में है तो गेम जरा समझ में नहीं आता और काफी प्रॉब्लम होती है। ओवरऑल ट्राई करने लायक गेम है तो आप लोग डाउनलोड करके खेल सकते हो। नंबर 2 पर जो डोरीमोन का गेम आता है उसका नाम है डोरीमोन रिपेयर शॉप। इस गेम का साइज 50 MB का है और ये गेम भी पूरी तरीके से ऑफलाइन है। इस वाले गेम का कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। हम सभी को पता है कि डोरीमोन के पास एक से बढ़कर एक गैजेट है जिससे वे नोबिता की मदद करता है, लेकिन उन्होंने बिजनेस करने की ठानी है। तो इस बार वे क्या कर रहे हैं कि नोबिता, डोरीमोन और उनके सभी दोस्तों ने मिलकर एक रिपेयर शॉप खोली है जिसमें वो लोग डोरीमोन के गैजेट यूज करके लोगों के टूटे फूटे सामान को ठीक कर रहे हैं और उन्हें इन सब के बदले डोरा केक मिल रहा है। तो आपको पता है कि डोरीमोन को डोरा केक कितने पसंद है, तो उसकी तो मौज होनी है। तो आप लोग को खराब सामान रिपेयर करने में मदद करनी है और गेम को एंजॉय करना है। नंबर 3 पे जो डोरीमोन का गेम आता है उसका नाम है डोरीमोन पार्क और इस वाले गेम का साइज सिर्फ 600 MB है और गेम को खेलने के लिए आप लोग को हमेशा इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वाले गेम को भी आपको खेलने में मजा आएगा। ठीक गेम है, खेलने के लिए पजल गेम है। कैंडी क्रश गेम की तरह आप लोग को डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक मैच करने हैं और लेवल क्लिक करने पर आप लोग को रिवॉर्ड मिलता है जिनको यूज करके आप लोग को डोरीमोन नोबिता के फ्रेंड्स के लिए एक सुंदर सा पार्क बिल्ड करना है जहाँ पे वे लोग खेल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग गेम में डेली इवेंट आते रहते हैं उनको कम्प्लीट कर सकते हो। ओवरऑल एक चैलेंजिंग और टाइम पास करने के लिए एक बेहतरीन गेम है जिसको आप लोग डाउनलोड करके खेल सकते हो। नंबर 4 पे जो डोरीमोन का गेम आता है उसका नाम है डोरीमोन गैजेट रश। इस गेम का साइज 60 MB का है और ये वाला गेम भी पूरी तरीके से ऑफलाइन है। तो यह गेम भी खेलने में मजेदार है। इस गेम में होता क्या है कि एक दिन जब डोरीमोन सोकर उठता है और अपनी पॉकेट चेक करता है तो वो क्या देखता है कि उसके सारे गैजेट चुरा लिया गया है। तो बस आप लोग को डोरीमोन की मदद करनी है और एलियंस को हराना है। गेम को खेलने का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप लोग ये जो जेम देख रहे हो उसे चेन कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे डोरीमोन को एक तरफ से पावर मिलेगी और उससे वो अपनी अटैक परफॉर्म करेगा। इसके अलावा आप लोग चाहो तो पावरफुल वेपन्स अनलॉक कर सकते हो और अपना लेवल अप कर सकते हो। ओवरऑल यह डोरीमोन का एक अच्छा गेम है, आप लोग डाउनलोड करके खेल सकते हो। नंबर 5 पे जो डोरीमोन का गेम आता है उसका नाम है सुपर डोरीमोन एडवेंचर और ये गेम शायद 36 MB का है। ये गेम बिल्कुल मारियो जैसा है। गाइस गेम का जो गेम प्ले आप लोग देख रहे हो सेकंड प्लेटफॉर्म में कम्प्लीटली मारियो गेम का कॉन्सेप्ट है, बस मारियो की जगह पे डोरीमोन को ऐड कर दिया है। लगता है कि इस गेम का डेवलपर आलसी था। तो गाइस ठीक गेम है, आप लोग चाहो तो इस वाले गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो। एंड लास्ट दोस्तों नंबर 6 पे जो डोरीमोन का गेम आता है उसका नाम है डोरीमोन ओपन वर्ल्ड गेम और ये गेम एक फैन मेड गेम है जिसको डेवलप किया है गेम्स ऑफ वैभव नाम के यूट्यूबर ने और ये गेम 167 MB का है। और दोस्तों यह गेम भी पूरी तरीके से ऑफलाइन है और गेम का कॉन्सेप्ट ये है कि डोरीमोन छत से गिरकर खराब हो गया है और उसे ठीक करना है। डोरीमोन को ठीक करने के लिए हमें इन लोकेशन पर जाना है और वो सामान लेकर आना है जिससे डोरीमोन ठीक हो सके। और दोस्तों हमें इस गेम में डोरीमोन के कुछ गैजेट्स भी देखने को मिलते हैं जिनको यूज कर आप मिशन को आसानी से पूरा कर सकते हो। ओवरऑल यह गेम आपको कुछ हद तक GTA वाला फीलिंग देता है और आप इस गेम को अपने फोन या PC में डाउनलोड करके खेल सकते हो। इस वीडियो में मैंने जितने गेम्स के बारे में बताया है उन सभी गेम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।